बड़का सयाल क्षेत्र में लाखों टन कोयला रहने के बाद सिर्फ सीटीओ नहीं मिलने से इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। सीटीओ नहीं मिलने के कारण सीसीएल बड़का सयाल क्षेत्र भुरकुंडा परियोजना अंतर्गत चल रहे सभी माइंस में सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी तक माइंस खुलने के आसार नजर नहीं आने के कारण भुरकुंडा कुलवरी के सभी मशीनों को कुजुतोपा प्रोजेक्ट ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे बड़का सयाल क्षेत्र के मजदूरों में नाराजगी देखी गयी। कुलवरी खुलने का थोड़ा बहुत आशा था, वो भी खत्म होता जा रहा है। यूनियन नेता का आरोप प्रत्यारोप अभी तक जारी है। पिछले 18 महीने से सीटीओ नहीं मिलने कारण भुरकुंडा सौंदा डी सेंट्रल सौंदा सयाल में चल रहे माइंस को पूरी तरह बंद कर दिया गया। यहां नए प्रोजेक्ट लपंगा जीवनधारा सयाल 10 नंबर को खोला जाना था, वह भी ब्रेक लगने के साथ थमसा गया है। जानकारी अनुसार राज्य एवं केंद्र सरकार के आपसी तानाशाही के कारण सीसीएल बड़का सयाल को अब तक सीटीओ नहीं मिला, जिससे भुरकुंडा परियोजना अंतर्गत बांसगढ़ा हाथीदाड़ी सीएचपी ओपन कास्ट बलकुदरा ओपन कास्ट वर्षों से बंद है। यहां कार्य कर रहे हजारों मजदूर हाजिरी बनाकर बैठे बैठे आंख से झप्पी मार रहे हैं, जिससे लगभग कोल इंडिया को कई करोड़ों का नुकसान पहुंच रहा है। सीसीएल बड़का सयाल को सीटीओ नहीं देने का कारण केंद्र सरकार का कोई रणनीति है या राज्य सरकार की रणनीति लापरवाही, जो भी है सीटीओ नहीं मिलना कोयलांचल का दुर्भाग्य माना जा रहा है। यहां लगातार सभी ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सीटीओ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसका परिणाम रिजल्ट कुछ सामने नहीं आया। खबर 365 न्यूज के लिए भुरकुंडा से मंसूर खान की रिपोर्ट। जब से मोदी जी आए हैं तब से लगता है कि भारत में जो पूर्व की सरकारें जो भी राष्ट्रीय संपत्ति बना के गए हैं, हमको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ही ये उसको प्राइवेट कर देंगे, बेच देंगे। आप स्वयं पत्रकार है, देखिए कि आज भेल रेल सेल हवाई जहाज कोयला सभी को एक एक करके, आप पहले देखिएगा रेलवे स्टेशन में हम लोग जाते थे, आप जाइए बिना पैसा दिए रेलवे स्टेशन में रुक नहीं सकते हैं। यानी बेचने के मामले में तो बीजेपी सरकार को प्रथम स्थान मिलना चाहिए कि बेचने के उद्देश्य से आया ही है। बहुत संपत्ति है, इसको जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। और बहुत संपत्ति है, संपत्ति की कमी यहाँ नहीं है। कोलियरी में कोयला का भंडार अपार है और स्थानीय बाजार पर भी इसका असर पड़ा है। आज बाजार में कोई दम नहीं है। आज जो भी लोग यहाँ पर नौकरी करके कमाते हैं, थे ठेका मजदूर हो चाहे और भी जो भी मजदूर है, सब बाजार पर आपका डिपेंड रहता था, बाजार में उसका पैसा जाता था। पर आज बाजार पूरे तरह से एकदम स्लो हो चुका है, स्थानीय स्थिति बहुत भयावह स्थिति हो रहा है। स्वर्ण श्री ज्वेलर्स दीपावली धनतेरस बम्पर ऑफर, गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम पर 3600 रुपए की छूट, सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 50% की छूट, डायमंड के मेकिंग चार्ज पर 100% की छूट। तो आज ही आए शॉप नंबर 1 शांति भवन बैंक मोड़ धनबाद, हमारा नंबर है 7070643884 और दूसरा नंबर 8210822620। स्वर्ण श्री ज्वेलर्स। बरही में पहली बार हॉलटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा टाटा मोटर्स ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन खुल गया है सिर्फ आपके लिए। अब जितनी भी टाटा मोटर्स की गाड़ियां हैं उन सभी को आप हमारे सर्विस स्टेशन में सर्विस करवा सकते हैं। प्लॉट नंबर 14 बरही इंडस्ट्रियल एरिया कोंडरा बरही हजारीबाग, और हमें संपर्क करें 7762007017 पर।